मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मुलेशन ऑफ पैरेंटल डोजेस फॉर्म। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन और प्रोसीजर ऑफ पैरेंटल डोजेस फॉर्म, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट जो था क्लीनिंग ऑफ कंटेनर क्लोजर एंड इक्विपमेंट, ये हम लोगों ने कम्प्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलेशन। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलेशन का मतलब ये है कि कौन कौन से मटेरियल हमें लगते हैं, मतलब हमें ज़रूरत होती है पैरेंटल प्रिपरेशन को बनाने के लिए। ठीक है, फर्स्टली मटेरियल में हम हमेशा लेते हैं एपीआई, व्हीकल एंड एडजुवेंट यानी कि एक्सिपिएंट। इन तीन चीज़ों को हम लोग लेते हैं और तब हमारा पैरेंटल डोजेस फॉर्म प्रिपेयर होता है। ठीक है, पैरेंटल में ही नहीं, किसी भी चीज़, किसी भी मेडिसिन का जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें एपीआई, व्हीकल और एडजुवेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पैरेंटल प्रिपरेशन में क्या होता है कि जब हम एपीआई, व्हीकल और एडजुवेंट लेते हैं तो उन सब को लेने के बाद अलग अलग कर लेते हैं, फिर उनको वेट करते हैं फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब करके तब हम पूरे प्रिपरेशन को एक साथ मिला के उसको फॉर्मुलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें यही है, ऑल द एक्सिपिएंट एंड ड्रग हैव टू बी कलेक्टेड एंड वेग वाटर फॉर इंजेक्शन, यानी कि पूरे एक्सिपिएंट को हम कलेक्ट करते हैं फिर उसको वेट करते हैं जो कि हम बनाते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए। ठीक है, वो एक्सिपिएंट और ये जो एक्सिपिएंट होते हैं, एडजुवेंट होते हैं, वो क्या होने चाहिए, फ्री फ्रॉम पायरोजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हैव टू बी यूज इन द पैरेंटल प्रिपरेशन, यानी कि वो फ्री फ्रॉम पायरोजन होना चाहिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। द फॉर्मुलेशन इज प्रिपेयर अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ डोजेस फॉर्म, यानी कि किस टाइप का नेचर है उस फॉर्मुलेशन का, कैसा बनाना है, तो वो भी चीज हम देखते हैं। फिर द एंटायर प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट अंडर अ एसेप्टिक कंडीशन, यानी कि सारी जो फॉर्मुलेशन होते हैं वो एसेप्टिक कंडीशन में होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, द पैरेंटल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हैज टू बी पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ, यानी कि कोई भी हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसमें उस प्रोसेस में फिल्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कि यानी कि फिल्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, जैसे जो भी पार्टिकल्स उसमें प्रोसीजर डोजेज में हो या फॉर्मुलेशन में हो, सॉल्यूशन में हो, तो उनको हम बाहर कैसे निकालते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर यूज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर सच एज मैमब्रेन फिल्टर हो गया, स्टेच फिल्टर हो गया, सिट्रेट ग्लास फिल्टर हो गया, ठीक, फिल्टर पेपर हो गया, बहुत टाइप के फिल्ट्रेट पेपर हम लोग यूज करते हैं जो कि फॉरेजन पार्टिकल को रिमूव करता है सॉल्यूशन से। ठीक है, ये हो गया फिल्ट्रेशन का काम। क्या हो गया, यानी कि हम जो पैरेंटल डोजेस सॉल्यूशन पास बनाते हैं उसको हम लोग पास करते हैं किससे, मेम्ब्रेन फिल्टर से, सेस फिल्टर से, सिट्रेट फिल्टर से, फिल्टर पेपर से, इन सब चीजों से उसको हम फिल्ट्रेट करते हैं जो कि फॉरेजन पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है, फिलिंग इन टू द फाइनल कंटेनर। जब भी हम प्रिपरेशन कम्प्लीट कर लेते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं फॉर्मुलेशन का, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं ना कि मतलब कंप्लीट करने के बाद हम लोग उसको कंटेनर में फिल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं द फिल्टर प्रोडक्ट सच एज सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन इज फिल्ड इनटू द फाइनल कंटेनर विच कैन बी एम्पूल। देखिए, एम्पूल की बॉटल में सिंगल डोज हम रखते हैं, मल्टीपल डोज के लिए ट्रांसफ्यूजन बॉटल यूज करते हैं। ठीक है, फिर स्टेराइल पाउडर हैज टू बी फिल्ड इन टू द कंटेनर विच कैन अलाउ रिकॉन्स्टिट्यूएंट। स्टेराइल पाउडर को भी हम ट्रांसफ्यूजन बॉटल में ही रखते हैं, उसमें ये क्या होता है कि रिकॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसको हम दोबारा यूज कर सके, उस लायक वो बना हो। ठीक है, सीलिंग द कंटेनर, यानी कि जब हमने प्रोडक्ट को फिल कर दिया तो उसके बाद हम सील कैसे करते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए, इसमें सिर्फ सीलिंग द कंटेनर में क्या होता है, पहली बात तो जब कंपनीज वगैरह में ये होता है कि वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे रबड़ की एक वायल नहीं होती, एक रबड़ की वायल होती है जो कि क्लोज, जो कि बॉटल के ऊपर उसको फिट किया जाता है, रबड़ की वायल को, फिर उसको फॉलिक पेपर से उसको पूरा कवर करने के बाद
उसको फिर उसके ऊपर क्लोजर को लगाया जाता है. तो सीलिंग द कंटेनर में यही होता है. द एम्पुल हैव टू बी सील्ड बाय रोटेटिंग द नेक द एम्पुल इन फ्लेम ऑफ द बर्नर. वंस नेक द सॉफ्ट एंड द सील कैन बी मेड इन पुली. यानी कि यही होता है कि एम्पुल की जो बॉटल होती है, देखिए एम्पुल की बॉटल लंबी ही होती है, ठीक है. तो उसको खूब हीट प्रोवाइड करने के बाद, हीट प्रोवाइड कराया जाता है, हीट प्रोवाइड करो जब उसका एरिया जो ऊपर का एकदम रेड हॉट हो जाता है, तो उसको हम लोग मॉल्ट करने के बाद उसको हम लोग मोड़ देते हैं. मोड़ने के बाद उसको एक शेप में लाते हैं. शेप में लाने के बाद तब वो एम्पुल की जो एम्पुल की बॉटल है वो तैयार होती है. और सब में क्या, जो ट्रांसफ्यूजन बॉटल होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग रबड़ का क्लोजर लगाते हैं, यानी कि रबड़ को लगाते हैं, फिर फॉलिक पेपर से उसको कवर करते हैं और फिर उसके बाद क्लोजर लगाते हैं. जो कंपनीज वगैरह में होता है उसमें ये सब ऑटोमेटिक होता है. ये एक मशीन होती है, उसको हम लोग ऐसे पूरा एकदम बैच वाइज पूरा बॉटल्स को रख देते हैं, वो एक एक करके सारे में ये काम होता है, ठीक है. तो ये हो गया सीलिंग द कंटेनर. नेक्स्ट है स्टराइजेशन, उसके बाद है एवोल्यूशन. तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट.